सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे अरे आंखों के तारे चैनल महालक्ष्मी कई बार अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी करते हैं दिल के अंदर यादगार बनती है। सादर जयंत आज की शुरुआत होती है सुबह सुबह 8 बजे। क्या करें, बात मीठी मीठी बात, अच्छी अच्छी बात, जैनों को एक होने की बात, खुशी की बात, बदगजब की बात कर रहे हैं आपसे। आप कहेंगे इतना लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि जब अच्छी बात होती है थोड़ा खींच के थोड़ा अच्छा लगता है। हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 27 जनवरी को नमोकार तीर्थ पर चुनाव होने वाले हैं। आप कहेंगे हाँ, पर हम कह रहे हैं शायद चुनाव नहीं होने वाले हैं, आपको आज शाम तक पता भी चल जाएगा। अब पुष्ट कहेंगे, पुष्ट कहेंगे, अंतर की बात कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। अब 13-20 की लड़ाई ढाई ढाई के बीच में नहीं होगी। और कल इसके बारे में बसंत कुंज के अंदर PNC जी का जो कार्यालय है ना, उनके यहाँ मीटिंग हुई एक, जिसका भी ये चित्र देख रहे हैं आप। बहुत खुशी की बात थी, एक दूसरे पर छींटाकशी करें, कमेटी के गरिमा कम हो, एक दूसरे के अंदर अनाप शनाप खर्च हो, एक दूसरे पर शब्दों के बाण फेंके, गलत तरीके से माहौल बने, चुनाव के अंदर खींचातानी हो, लड़ाई हो, 13-20 की लड़ाई हो, आपस में एक दीवार खींचे, उन सब पर कहते हैं एक खत्म होने की बात है, जो आज शाम को आप सबके सामने आने की पूरी संभावना है। इस बार फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर हाँ ढाई ढाई बटने की तय हो गया है, लड़ाई फिर हो गई है कि एक बार 13 एक बार 20 लड़ेगा, आप फिर खींचोगे। और हम कह रहे हैं ये बात नहीं नहीं नहीं, सर्वसम्मति से आपस में समन्वय बनाकर PNC आगरा वाले जो हैं, विजय जी हैं, नीलम जी हैं, DK जैन जी हैं, और साथ में रविंद्र स्वामी जी हैं, चित्र में कई देख रहे हैं, कई नाम हैं इसमें, जवाहर जी हैं, और मेन बात है इसके अंदर वह सब हैं जिसके अंदर अगुवाई जम्बू प्रसाद जी हैं गाजियाबाद के, और संतोष पंडारी जी हैं। ये दो प्रमुख जो चुनाव के अंदर आमने सामने हैं 2024 to 2028। कई बार समाज के अंदर अच्छी बात होती है, जब PNC आगरा की अगुवाई के साथ यह मीटिंग हुई, रविंद्र स्वामी जी ने ली मीटिंग कल लगभग सुबह लगभग 12 बजे, वैसे 11 बजे शुरू हो रही थी, भोजन के बाद तुरंत शुरू होते होते रात को 10:30 तक चलती रही, एक समय में बनाने के लिए, सौहार्द बनाने के लिए, लड़ाई की बजाय प्रेम भाव से एक होने के लिए। और अंदर की खबर बता दें आपको, वैसे अपुष्ट है लेकिन मोहर कल या आज में लग जाएगी, अध्यक्ष बन जाएंगे 2024 से जम्बू प्रसाद जी, और साथ में संतोष पंडारे जी जैसे महामंत्री थे। महामंत्री कहते हैं अनुभव और अतीत के साथ मिलकर एकत्व की बात आ जाती है, कई बार समन्वय बनने पर कई बातें जो मुश्किल होती हैं वह सरल होने लगती हैं, दक्षिण और उत्तर मिलते हैं, 13-20 मिलते हैं तो अच्छी बातें हो जाती हैं, पंथवाद खत्म हो, एकत्व की बात आ जाए। पर हाँ एक बात थी, आप इसमें कई कहेंगे इसमें तीसरे, बाकी दो ने भी विड्रॉ करने की बात कर ली है, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे में समन्वय, पांचवें संजय जैन जी इस मीटिंग में नहीं थे। संजय भाई ने कहना है कि मुझे इसमें बुलाया नहीं गया था, पर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने चैलेंज में संकेत दिया है, समाज के हित में मैं भी वही निर्णय लूंगा जो समाज के हित में होगा, मतलब वह भी इससे अपने को हट जाएंगे, क्योंकि जब दो हट जा रहे हैं, तीन हट जा रहे हैं, चार जा रहे हैं, तो कहते मेरा भी लड़ने का औचित्य नहीं है। पर हाँ एक बार ये बात जरूर है, चाहे किस रूप में भेदभाव ना हो, हमें जब बात करें तो एक मंच पर एक साथ मिलकर समन्वय करना चाहिए, यह बात जरूर चिंतन देखना होगा। इसमें हमें भेदभाव जो भी कर रहे हैं, जो जिसने बुलाया, जिसने मीटिंग करी, आपस में मिलकर बैठकर सामंजस्य करें, और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है जो इस बार होगा, बहुत 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 खुशी की बात है। अगर इस तरह से एकत्व के रूप में करेंगे तो निश्चित रूप से जैन समाज का एकत्व, जो हमारी गरिमा गिरती जा रही थी, सर मिटेगी, एक बार फिर वह सारभूत होगी, और विश्वास ये करते हैं कि कड़वाहट खत्म होगी और एक बार हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और कुछ तीर्थों की संरक्षण संवर्धन की काम कर पाएंगे। इस आश्वासन से हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अगर गलत होता है आवाज़ जरूर उठाते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि इस बार आने 5 सालों में आवाज़ उठाने के लिए हमें तालियां पीटनी होंगी, यानी काम अच्छे होंगे। जैन समाज के लिए बहुत खुशी की बात है जब ये एकत्व की बात सर्वसम्मति से होने की साथ होती है, आप देखेंगे आज शाम तक या कल सुबह तक। 26 दिसंबर के दृश्य देख रहे हैं आज, पालीताना से हैं, जैनत्व की एकता की बात करते हैं, हम कहते हैं दिगंबर भाई तो करिए, श्वेतांबर की नहीं, अब श्वेतांबर खतरगज के अंदर बात कर रहे हैं। सहस्त्राब्दी पर 1,000 रुपये का रजत सिक्का व डाक का विमोचन का दृश्य देख रहे हैं, जो यहाँ का दृश्य है। पालीताना में भी हम चाहते हैं अवांछित लोग, जो गलत लोग हैं, अराजक लोग हैं,
उन्हें हटना चाहिए। जिसका तीर्थ है उसके तीर्थ के बारे में सुरक्षा के लिए खड़े हों तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें छेद करने के लिए कभी नहीं खड़े हों। जिसका जो तीर्थ है उसी का रहने दीजिए, कहीं कोई बदलाव मत कीजिए। जो अतीत है वह अतीत ही संस्कृति, पुरातन से हमारे वैभव की पहचान होती है। और यहाँ पर ये डाक टिकट और सिक्का था, इससे जैन स्वार्थ का प्रतीक होता है। जब राज्यपाल महोदय देवव्रत जी यहाँ पर इसको कार्यक्रम में भाग लिया था और उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ था। जैन समाज के साथ कुछ सर्वित की बात कर लें, बहुत गजब का ये वीडियो है, 3 मिनट का, बहुत कुछ कह जाता है संकेत में, आपके दिमाग में, दिल दिमाग में एक बात कह जाता है। उतना लेना थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, बात कही जाती है। पर यहाँ पर किस तरीके से संकेत दिया गया है, आपके दिल को छुएगा, कभी भी देखना। अन्न को एक देवी के रूप में माना गया है, अन्न पूर्णा, और अन्न का तिरस्कार कभी मत करना कहते हैं। आज आपने एक अन्न का दाने का तिरस्कार किया तो आने वाले समय में कितनी बार अन्न आपका तिरस्कार कर देगा, कितनी बार भूख से तड़पना पड़ेगा, यह कर्मों का लेखा एक बार लिख जाता है, इसे कोई और मिटा नहीं पाता है। आपने किसी को आहार दिया, किसी को भोजन दिया, किसी गरीब की सहायता की, तो कहते वो लाखों बार आपके सामने आ जाता है सौभाग्य के रूप में। और एक बार आपने तिरस्कार किया तो वह दुर्भाग्य के रूप में बार बार आपके चरणों को, आपके दरवाजे को खटखटाता है। यह वीडियो आपको दिल को छू लेगा और यही कहेगा कि अगली बार उतना ही लूंगा थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। देखिए जरा इस वीडियो को। कितनी बार कहा है तुझसे खाना प्लेट में मत छोड़ा कर, बर्तन धोते वक्त सिंक जाम हो जाती है। प्लेट उठा, खाना डस्टबिन में डाल। दीदी निकल रही हूँ मैं, जाने से पहले ना डस्टबिन उठा के किचन में रख दे। दीदी हाँ, डस्टबिन भरा हुआ है। भरा हुआ है, चल तो जा, मैं देखती हूँ। डस्टबिन खोल के देखा और छोड़ दिया, इसे खाली कौन करेगा? माफ कीजिएगा मैडम, हम इसे कचरे की गाड़ी में नहीं डाल सकते। क्यों, इसमें कांटे लगे हैं जो उठाने से चुभ जाएंगे। पिछले 4-5 दिन से देख रही हूँ डस्टबिन खाली क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। इस डस्टबिन के कचरे को गाड़ी में डालने से तुम पाप के भागीदार बन जाओगे। कचरा नहीं है मैम साहब, अन्न है, और अन्न का स्थान भोजन की थाली में होता है, कचरे की गाड़ी में नहीं। लगता है भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है, इसलिए आपको इस अन्न की कीमत नहीं पता। इस अन्न की कीमत जाननी है ना तो हमसे पूछिए। गली गली कचरा उठाते हैं तब जाकर ये अन्न मिलता है 2 वक्त के लिए। हम इसे कचरे की गाड़ी में फेंक कर इसका निरादर कैसे कर सकते हैं? और आपसे भी एक विनती है मेम साहब, हो सके तो इसे किसी भूखे को खिला दिया करिए, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। और खाना उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। Thank you.